वेलकम टू इकर एजुकेशन। दोस्तों फिर से एक और बार स्वागत करता हूँ इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन के बारे में। आज का ये हमारा लेक्चर है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्सेशन के कौन कौन से सब्जेक्ट के टैक्सेशन के सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर है वो समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 चैप्टर दिए हुए हैं। 6 चैप्टर में से 5 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल है और छठा चैप्टर है वो GST का है, वो थियोरिकल है। तो मैं आज आपको सबसे पहला वाला चैप्टर जो है धंधों की व्यवसाय और नफ़ों अन्य लाभ, उसके रिगार्डिंग आज कुछ सम्स और इम्पोर्टेंट जो है वो आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि घसारा, ये देखिए घसारा का दर हमें यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। मकान का जो घसारा है वो कितना दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पर घसारा दिया हुआ है, 5%, 10% और 100%। फर्नीचर का घसारा है 10%, यंत्रों का अलग अलग टाइप का दिया हुआ है 30,000, 40,000 और 50,000। उसके बाद दरिया में तरता वहाँ का कितना दिया हुआ है 20%, और उसके बाद अदृश्य मिल्कत का हमें यहाँ पर 25% दिया हुआ है। तो सबसे पहला सम जो है वो इस घसारे की रिगार्डिंग है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। और एग्जांपल नंबर 1 जो है वो आज मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो रकम देख लेते हैं कि श्री गजानन पाठक धंधा का हिसाबी वर्ष 2016-17 का वर्ष है और तमनी मालिक है ना 5 यंत्रों पे की 30% ना दरे घसारो बाद था तेवा 3 यंत्रों की चौपड़े कीमत कितनी है 9,00,000 रुपये की 3 यंत्रों की चौपड़े कीमत है 9,00,000। उसके बाद 15% ना घसारो एवं दो यंत्रों की कीमत कितनी है 9,60,000। ये वाली कीमत है वो 3 यंत्र की है और ये वाली जो कीमत है 9,60,000 वो 2 यंत्र की है। उसके बाद 30/4/2016 को एक नया यंत्र खरीदने में आता है 5,00,000 का और उसका घसारा जो है डेप्रिसिएशन जो है वो 30% है। उसके बाद 30% ना घसारा बाद करी ने 1/7/2016 को 4,20,000 में हमने एक यंत्र बेच दिया, ठीक है। तो तब हमें बोलता है कि बने यंत्रों ना समूह माटे घसारा ने गणतरी दर्शाओ। तो घसारा हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना है, यहाँ पर आपको लिखना है विगत, यहाँ पर रकम लिखनी है और यहाँ पर भी आपको रकम लिखनी है। ऊपर हेडिंग दे देना है 2017-18 मजरे मणवा पात्र घसारानी गणतरी, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला है 17/18 माटे, तो हमें यहाँ पर लिख दिया 17/18। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 यंत्र की चौपड़े कीमत 9,00,000 थी, ठीक है, और उसकी तारीख कब थी 1/4/2016 थी। तो 1/4/2016 का प्रथम यंत्र 9,00,000 का लिख दिया। उसके बाद हमें एक और यंत्र खरीदने में आया था 30/4 को, तो यहाँ पर लिख दिया 30/4/16 को खरीदे यंत्र जितने का हमने खरीदा उतना 5,00,000, दोनों का प्लस किया 14,20,000। और फिर उसके बाद हमने 1/7/2016 को 4,20,000 में एक यंत्र को बेच दिया, 4,20,000 का हमने यंत्र बेच दिया। तो 14,00,000 में से 4,00,000 माइनस हो गए, कितना बचेंगे 9,80,000। तो इस पे 9,80,000 पे कैलकुलेट होगा घसारो, डेप्रिसिएशन 9,80,000 पे कैलकुलेट होगा। ये हमें 2 यंत्र दिए हुए हैं यहाँ पर, एक 3 यंत्र है और एक दूसरा जो है वो 2 यंत्र है। तो अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 3 यंत्र के लिए है, 3 यंत्र के लिए 9,00,000। तो यहाँ पर कैलकुलेट किस पे होगा घसारा, 9,80,000 पर। तो इसका घसारा हमें जो दे दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 30% ना दर है। तो यहाँ पर जो 9,80,000 हमारे आए है उसको 30% हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको घसारो 9,80,000 × 30%,
तो आ जाएगा 294,000। ठीक है, वो 294,000 हमें घसारा मिल गया, और 9,80,000 में से 294,000 को अगर माइनस कर देंगे तो 686,000 हमारे पास जो घसारा बाद की कीमत मिलेगी 986,000। ठीक है, जो घसारा था वो हमें यहाँ बाहर लिख देना है, या अंदर भी लिखना है और यहाँ बाहर भी लिख देना है। उसके बाद आते हैं दूसरे यंत्र की तरफ। जो दूसरा यंत्र है वो हमारा था 960,000 का। तो देखिए, 960,000 का हमारा यंत्र था, उसमें 15% घसारा के लिए हमें बोला है। देखिए, ये 15% हमें यहाँ पर बोला है, तो 960,000 इंटू 15% जब आप करोगे तो आ जाएगा 144,000। 9,00,000 में से 960,000 में से 144,000 माइनस कर दोगे तो 816,000 आ जाएगा। इधर भी आपको घसारे की कीमत आपको यहाँ पर बाहर लिख देनी है, तो 2,94,000 और 144,000 दोनों घसारे को, डेप्रिसिएशन को जब आप प्लस करोगे तो 438,000 जो है वो आपका घसारा हो जाएगा। तो मजरे मड़वा पात्र कुल घसारो आपको लिख देना है 438,000। हमें बोला था किसके लिए, 2017-18 के लिए बोला था, तो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा, और इम्पोर्टेंट लगती है तो अपने दोस्तों को बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।